हेलो हाय गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ योर फेवरेट अंजना सिंह व्लॉग्स। इसके पहले वाले व्लॉग में आपने देखा कि काफ़ी थक गए थे, नाइट में शूट था, गाना था, सुबह 6:30 बजे बैकअप हुआ, अभी उठे हैं सो करके और अभी बज रहा है 2 की शिफ्ट है, फटाफट रेडी होना है। हालांकि नींद पूरी तरीके से पूरी नहीं हुई है, जस्ट अभी फ्रेश हुई हूँ, नहाई हूँ, धोई हूँ, लग तो रहा होगा ना ही तो, हाँ लग ही रहा होगा। ठीक है वाले भैया जी गुड मॉर्निंग बोल दीजिए सबको। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, उसके भी वाले भैया जी आए हैं, वो सफाई कर रहे हैं, मैं मेकअप दादा का वेट कर रही हूँ क्योंकि कॉल आया है रेडी होने के लिए, तो फटाफट फिर से रेडी होना है। तो ये है मेरा आउटडोर शूट नंबर, नहीं ये है आउटडोर शूट पार्ट 2। ओके दैट वाज इससे पहले वाला 1। अरे यार क्या बात है, क्या बोलूँ मैं, बकवास बातें कर रही हूँ। भैया थोड़ा अच्छे से साफ कर दीजिएगा, है ना, हालांकि इतना गंदा तो मैंने किया नहीं है। तो मैं फटाफट एक चाय मंगा लेती हूँ कि इससे पहले वाली जो चाय आई थी वो वही मेरी पुरानी बुरी आदत है, वो ये है कि चाय को देख देख के मैं ऐसे उठती हूँ, तो वो देखने देखने में ठंडी हो गई थी। तो चलिए मैं बात आप लोगों से करते करते एक चाय भी मंगा लेती हूँ, तब तक मेरे मेकअप दा प्रसाद दा आ जाएंगे। हेलो, एक अच्छी अदरक वाली चाय भेज दीजिएगा 206 में, ठीक है। तो ये आ गए हमारे दादा। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग, कैसा रहा कल, मज़ा आया? कितनी गर्मी थी ना, बहुत गर्मी थी, लेकिन जो भी है मज़ा आया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने महीने बाद बाहर निकले हैं। अरे हम आए कहाँ, हमने वो तो बताया ही नहीं। हम आए हुए हैं बस्ती में, हम शूट कर रहे हैं एकदम ठेठ इंटीरियर गांव है, बट अब गांव जैसे नहीं रहे, वो हम शहरों से भी बहुत अच्छे हो गए हैं और इतना अच्छा लग रहा है खुली खुली जगह आज बड़ा। तो मैं जा रही हूँ मेकअप करने, आप भी चलो। ब्लॉग्स में अब आप पूछेंगे कि कल गुड मॉर्निंग मेकअप वेकअप बोल के कहाँ गायब हो गए, तो वह यूँ कि वह सच में गायब हो गए और मुझे टाइम नहीं मिला स्टोरी बनाने का, वीडियो बनाने का। तो मैं उसके बाद मैंने मेकअप किया एंड मेकअप करके फिर सेट भी गए, फिर वापस चेंज था, तो काफ़ी भागम भाग थी, इस बीच मैं वीडियो नहीं बना पाई। अभी फाइनली मैं निकल पड़ी हूँ वापस मुंबई जाने के लिए, और बहुत बुरा भी लग रहा है क्योंकि जो मेरी फ्लाइट हुई है वो हुई है लखनऊ से, और लखनऊ से फ्लाइट हुई है, मैं चाह के भी अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि अगर मैं घर गई तो मेरी फ्लाइट जो है वो मिस हो जाएगी। तो ये एक वही कहावत हो गई ना कि ये, मतलब कहावत नहीं सॉरी, ये वही बात हो गई कि घर के इतना पास आके भी घर नहीं जा पा रहे हैं, बट कोई नहीं, काम पहले आता है और काम करना चाहिए। काम क्या बोल रही हूँ, बकवास क्या बातें की जा रही हूँ, एक्चुअली इतना थक गई हूँ ना कि कुछ भी बात कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। तो ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं लखनऊ, ये मेरा लाइक 2-2.5 घंटे का ट्रैवल था। मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं सो गई थी, नींद मार रही थी, मैं लिटरली नींद मार रही थी। और एक सरप्राइज़ है छोटा सा आप लोगों के लिए, ये अच्छी क्या सरप्राइज़ है देखते हैं, मिलवाते हैं सरप्राइज़ से। तो आप लोग वो जिस सरप्राइज के बारे में बात कर रही थी, खुश रह पाए क्या, हेलो तो बोलो सबको, अरे इनको हेलो बोलो इनको, हमारे शक्ल तो दिखाओ अपनी, शक्ल नहीं दिखाएंगे हम, जा रहे हैं शक्ल दिखाओ अपनी, चलो देखो कैसा भाई है, हैं गंदी शक्ल लेके घूम रहा है, मेरे लिए कुछ तो भी लेके आया है, कुछ मेरी फेवरेट चीज है, हम खा लेंगे, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय, थैंक यू। कैसे भाई लोग कैसे मतलबी टाइप होते हैं, बात भी नहीं कर रहे 2 मिनट के लिए। तो मेरे भाई साहब अनुराग जी थे, पता है इसमें क्या है, मेरे मोटापे का राज है इसके अंदर।
दियो कि इसमें क्या है। आप लोग ने गैस तो लगा ही लिया, लगा लिया ना मत लगाओ ना, मैं बताऊंगी ना आप लोगों को, हद करते हो यार। चलिए जी, तो सामने एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, सब कुछ पैक कर लिया है, कुछ बोले नहीं है। और कहाँ मेरी आईडी, सॉरी। तो फटाफट से जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर और सब कुछ सारा प्रोसेस करके बॉडी चेकिंग, सॉरी चेकिंग, वेब चेकिंग, सॉरी। तो फटाफट से जाती हूँ अंदर और प्रोसेस पूरा करके वापस मिलती हूँ आपसे, ओके। मैं एयरपोर्ट देखा था तो जाने के टाइम पे लखनऊ एयरपोर्ट तो देखना बनता है ना, बनता है ना। जाने के टाइम पे मेरे पैसे लगे थे, जाने के टाइम पे भी लग रहे हैं, कुछ नहीं हुई है, रैप चालू है फिर से। इतने में तो मैं ना एक अच्छा सा नया बैग ले लेती, सच बता रही हूँ। थोड़ा जल्दी एयरपोर्ट पहुँच गए हैं तो फिर अदिति के लिए कुछ देख रही हूँ, कॉटन की और चिकन की कुर्तियाँ, उसमें बहुत अच्छी लगती है, उसके पास एक वाइट है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके लिए ले लूँ, अच्छा लगेगा उसे। ये कलर है और मुझे ये वाला तो बहुत ही प्यारा लगा, इसमें देखते हैं, सेलेक्ट कर दिया। तो जी हम पूरी स्लिप दे देंगे ना। हाँ जी दे दीजिए। तो जी ले लिया आदित्य के लिए हमने चिकन के कुर्तीज ले लिए, और फटाफट कर लेती हूँ सिक्योरिटी चेक, इससे पहले कि जो भाई ने दिया है वो ठंडा हो जाए, मैं टाइमली बैठ के उसको खा लूँ, ठीक है। फटाफट करते हैं सिक्योरिटी चेक करते हैं, चल। डन विद सिक्योरिटी चेक एंड ऑल, अब होगी पेट पूजा। ये खाते हैं, मतलब मैं खाती हूँ, आप लोग देखिएगा। हाँ फाइनली बॉम्बे लैंड कर चुके हैं, पहुँच चुके हैं, बस में है, बाहर जाना है, लगेज उठाना है, फिर घर। और अभी कुछ आ गए और मैं अभी तक वेट ही कर रही हूँ, मेरा लगे कि नहीं आया अभी तक। आ जाओ भाई, घर जाना है, बेटी से मिलना है, जल्दी से आ जाओ। तो मैं करती हूँ अपने सामान का इंतजार, आप लोग भी करिए आराम, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।